हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी भी सिम है वो बंद हो गई है तो अभी क्या करें? अगर आप उस सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं क्या वो पॉसिबल है, और अगर आप उसी नंबर से सेम सिम लेना चाहते हैं तो वो कैसे लें, तो वो आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी सिम बंद हो चुकी है तो आपको एक दो बार ट्राई करना है, कस्टमर केयर को कॉल करनी है, किसी और सिम कार्ड से उस नंबर के बारे में कंप्लेन करनी है। अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व ना हो तो आपको एक नई सिम लेनी पड़ेगी। तो ये सब कैसे करें आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दरअसल मेरी भी हाल ही में एक सिम थी वो खो गई थी, तो उसके बाद जब मैंने ट्राई करा एक नई सिम लेने की, तो मैंने कैसे ली वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अगर आप डायरेक्ट जो सिम वाले के पास जाते हो कि आपको इस नंबर पर सिम चाहिए, तो वैसे कोई पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए होती कि अगर आपने सच में आपकी सिम खो गई है, क्योंकि एक प्रूफ चाहिए कि ऐसे कोई झूठा पर्सन भी आ सकता है और आपके नाम पे सिम कार्ड निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना प्रूफ ले जाना है, अपने आधार कार्ड ले जाना है, और अगर आपकी सिम की इंफॉर्मेशन होगी नंबर वगैरह वो आपको ले जानी है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, FIR करवानी पड़ेगी। FIR करवाने और बताना है कि मेरी सिम है वो खो चुकी है, और मेरी इतने दिन हो गए सिम खो चुकी है और मुझे एक नई सिम लेनी है। तो ऐसे ऐसे लिख देना उनको, वो बता भी देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे आपको ये FIR रजिस्टर करवानी है, और उस FIR की जो कॉपी है वो ले लेनी है। और जब आप सिम निकालने की कोशिश करोगे इस बार, तो वहाँ पे जो पर्सन है उनको ये शो करनी है जो FIR की कॉपी है। जब आप उनको शो करोगे उसके बाद आप ट्राई करोगे सिम देने की, और पुरानी सिम आपकी ऑटोमेटिकली वो क्या कर देंगे, उसको डिसेबल कर देंगे, बंद कर देंगे, और आपके नंबर पे एक नई उसी नंबर पे एक नई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सिम एक्टिवेट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद है।